द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी. सो यहाँ पे पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, और लेडी दो जो राइटर हैं उनकी ग्रैंड मदर के लिए ये वर्ड है लेडी, मतलब यहाँ पे उन्हें बोला गया है लेडी. राइटर कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर बाकी सभी ग्रैंड मदर की तरह ओल्ड थी, उनका फेस पर भी रिंकल्स थे. लोग कहते हैं कि वह कभी यंग और खूबसूरत थी. फिर राइटर थोड़ा अपने ग्रैंडफादर के चित्र के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके जो दादा हैं उनका चित्र अंगीठी के ऊपर लटका हुआ है, उसमें उन्होंने एक पगड़ी और ढीले कपड़े पहन रखे हैं. उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी और वो कम से कम 100 साल के दिखते हैं. फिर राइटर कहते हैं कि उनकी दादी थोड़ी नाटी और मोटी थी, उनके लिए ये विश्वास करना मुश्किल था कि वह कभी यंग होंगी, उन क्योंकि उन्होंने अपनी दादी को हमेशा ऐसे ही ओल्ड देखा है. राइटर कहते हैं कि उनकी दादी और वो बहुत अच्छे दोस्त थे. जब उनके माता पिता शहर में रहने के लिए गए तो उन्हें दादी के पास छोड़ गए. उनकी दादी उन्हें डेली स्कूल के लिए तैयार करती, उन्हें नहलाती वगैरह. उनकी दादी हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ साथ. तो जब कुछ समय बाद स्कूल ख़त्म होता तो उनकी दादी का पाठ भी ख़त्म हो जाता और वे दोनों साथ में घर आते. घर आते हुए जब गांव के कुत्ते उन्हें मिलते तो वे रात की बची हुई रोटी डालते थे. फिर राइटर हमें बताते हैं कि जब उनके माता पिता शहर में आराम से बस गए, मतलब आराम से सेटल हो गए, तो उन्होंने उन दोनों को वहीं पे बुला लिया और उनकी दोस्ती का वह ये टर्निंग पॉइंट था, उनकी और उनकी दादी की दोस्ती का. वैसे तो वह एक ही कमरे में रहते थे वो लोग, पर उनकी दादी उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी क्योंकि अब राइटर जो है वो स्कूल बस से जाते थे. अब शहर में कुत्ते नहीं थे इसलिए दादी ने घर के आंगन में चिड़ियों को दाना डालना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वह दोनों एक दूसरे से कम बात करने लगे. कुछ टाइम तक वो स्कूल के लिए तैयार करती थी और जब वह वापस आते थे तो उनसे पूछती थी कि स्कूल में क्या पढ़ाया, और लेकिन वह दुखी हो जाते थे क्योंकि जो अब राइटर के स्कूल में पढ़ाया जाता था साइंस इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज दादी को नहीं थी, इसलिए वे उन्हें इस पढ़ाई में कुछ हेल्प नहीं कर सकती थी. तो ये सोच के वो दुखी हो जाती थी. उन्हें बहुत दुख हुआ था ये सुन के जब उन्हें पता चला था कि उनके स्कूल में कुछ भगवान से रिलेटेड नहीं सिखाया जाता. और एक दिन जब राइटर ने आके उन्हें बताया कि अब उन्हें म्यूज़िक सिखाया जाएगा स्कूल में, तो वह बहुत परेशान हो गई क्योंकि उनके अकॉर्डिंग म्यूज़िक अच्छे लोगों के लिए नहीं है. और इसके बाद उन्होंने उनसे बहुत राइटर से बहुत कम बातचीत करनी बंद, मतलब एक तरह से बहुत ही कम बातचीत होती थी उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद. जब राइटर बड़े हो गए और यूनिवर्सिटी जाने लगे तो उनको अपना अलग कमरा दे दिया गया और इस वजह से उनकी बातचीत बिल्कुल कम हो गई थी. वैसे उनकी जो दादी थी सारा दिन चरखा चलाती थी और दिन में चिड़ियों को दाना डालती थी. जब वे बरामदे में बैठती तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती और सैकड़ों चिड़िया आ जाती वहाँ पे और उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती. वह आधा घंटा दिन भर का सबसे खुशी का समय था उनकी दादी के लिए. कुछ टाइम बाद राइटर ने अब्रॉड जाने का सोचा कि वह अब्रॉड जाए पढ़ाई, आगे की पढ़ाई करने के लिए. तो उन्हें लगा कि उनकी दादी मना कर देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. बल्कि जब वह जा रहे थे तो उनकी दादी उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई. और 5 साल बाद जब वे वापस आए तो मतलब वो देख के हैरान हो गए कि उनकी दादी अभी भी वैसी ही हैं जैसे वो 5 साल पहले उन्हें छोड़ के गए थे. एक दिन जब उन्हें फीवर हुआ तो डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि इन्हें हल्का सा फीवर है बस, पर दादी ने कहा कि उनका अंतिम समय आ गया है. वे शांति से लेटकर प्रार्थना करने लगी और माला फेर रही थी. अचानक उनके होंठ हिलने बंद हो गए और उनके हाथ से माला गिर गई, मतलब अब उनकी डेथ हो गई थी. तो रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उठाया और लाल कफन पहनाकर ढक दिया. कुछ समय बाद उनके आसपास हजारों चिड़िया इकट्ठी हो गई. वो बिल्कुल शोर नहीं कर रही थी और जब लेखक की माँ
ने उनके आगे रोटी के टुकड़े डाले तो किसी भी चिड़िया ने कुछ भी नहीं खाया। सारी चिड़िया बिल्कुल शांत वहाँ बैठी हुई थी। अगले सुबह सफाई करने वाला आया और रोटी के टुकड़ों को झाड़ू से उठाकर कूड़ेदान में रख दिया।